नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। समाजवादी पार्टी की चौथी सूची की आहट ही भाजपा में टेंशन बढ़ा दी है। ये चौथी सूची और इसमें जो संभावित प्रत्याशी हैं, जिनपे माना जा रहा है कि मुहर लग चुकी है उनके नाम, ये जिस जिस सीट पर आएंगे वहां टेंशन बढ़ाएंगे। मैं कुछ नाम आपको शुरुआत में ही बता देता हूं, भूमिका न लंबी करके नाम शुरुआत में बता देते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि मायावती की भी एंट्री होने वाली है। करीब करीब अब तय माना जा रहा है मायावती की एंट्री, और मायावती की एंट्री होती है तो फिर सीटों का क्या फॉर्मूला निकलेगा, और समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है उसमें से कुछ फिर से रीएडजस्टमेंट होगा क्या, ये सारी इसी चर्चा में आ जाएगा। क्योंकि मायावती के आने पर करीब करीब अब माना जा रहा है कि मुहर लग गई, अंदर खाने से मतलब दो तीन जगहों से बात सामने आई। तो फिलहाल मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी की चौथी सूची में जो नाम रामपुर से आजम खां के पुत्र वधू यानी बहू का नाम चल रहा है, और समाजवादी पार्टी के दो नेताओं ने जेल में आजम खां से मुलाकात की, उसके बाद इस नाम पर चर्चा शुरू हुई। इसके अलावा एक समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री हैं इस वक्त विधानसभा में, मैं उस विधायक को सबसे होनहार मानता हूं, जब बोलती है तो पूरी भाजपा हिल जाती है, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, जो डिलीवरी होती है स्पीच की वो जबरदस्त होती है, मुद्दे बिल्कुल मारक होते हैं। नाम है डॉक्टर रागिनी सोनकर और चर्चा है मछली शहर से। इसके अलावा जौनपुर सीट लगातार पिछले तीन दिनों से सबसे ज्यादा ये सीट चर्चा में है, यूपी नहीं अब लोग बाहर के लोग भी जान गए जौनपुर के बारे में। जौनपुर से चर्चा थी पहले कि धनंजय सिंह को मैदान में उतारा जाएगा, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, उसके वीडियो क्लिप्स वायरल हुए, लेकिन नाम की चर्चा भी होती उससे पहले ही सजा हो गई 7 साल की, अब वो चुनाव लड़ने लायक रहे नहीं। फिर श्रीकला रेड्डी की चर्चा हुई, श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की पत्नी है और उन्होंने माहौल भी बना दिया, चुनाव लड़ने वाला नहीं चुनाव हरवाने वाला, भाजपा को चुनाव हरवाने वाला माहौल बना दिया। लेकिन जो नाम चर्चा में है वो नाम है लकी यादव का। लकी यादव विधायक हैं, इनके पिताजी कई बार के विधायक रहे हैं पारसनाथ यादव, इनके नाम की चर्चा है। धर्मेंद्र यादव की भी जो है सीट इसी चौथी सूची में फाइनल होने की बात हो रही है कि इनकी भी सीट तय कर दी जाएगी। तो ये चौथी सीट ने पूरा का पूरा जो भगवा खेमा है बीजेपी कैंप, बीजेपी कैंप में खलबली सी मचा दी है कि ये विधायकों को भी लेके आ रहा है, वो भी छांट छांट के, ऐसे जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने अपने नाम से काम से और संवाद से तीनों से जनता के बीच पहचान बनाई, और खासकर रामपुर में बहू आई अगर आजम खान तो फिर देखना होगा प्रशासन क्या करता है। उपचुनाव में तो बड़ी चर्चाएं थी प्रशासन के कारनामों। खैर, हमारे साथ आलोक पाठक जी जुड़ गए हैं इस विषय पर बात करने। आलोक भाई, पहले तो ये चौथी सूची में जो नाम है उन पर आपसे चर्चा करेंगे, और उसके तत्काल बाद बहन जी की एंट्री, बहन जी को कितनी सीटें, उन सीटों का कैसे एडजस्टमेंट होगा, क्या समाजवादी पार्टी जितने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है उसमें से भी कुछ फिर से लेन देन होगी, कुछ सीटों पर पुनर्विचार होगा, इन सारों बातों पर अगले सवाल में। लेकिन पहला सवाल, जिन प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा है चौथी सूची, ये कौन कौन है और इनका क्या मतलब, ये किस क्राइटेरिया के तहत, क्यों जैसे लकी यादव का, रागिनी सोनकर का, आजम खां की बहू का, इन लोगों की चर्चा से क्यों बीजेपी में इतनी खलबली है? देखिए, रागिनी सोनकर तो मछली शहर से चुनाव लड़ेंगी और मछली शहर सीट मात्र 200 वोटों से 2019 में भाजपा जीत पाई थी, और रागिनी सोनकर युवा है, दलित चेहरा है और बहुत अच्छी वक्ता है, इसलिए उनका नाम आप ये माननी, उनसे समाजवादी पार्टी को फायदा ही होना, नुकसान नहीं होना हर स्थिति में। जौनपुर में लकी यादव की बजाय दूसरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो फाइनल होने की पूरी संभावना है,
सुभाष पांडे को उतार सकती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि सुभाष? अगर पांडे एक पुराने नेता हैं, पुराने मंत्री रह चुके हैं। ऐसा करती है तो मैं रोकूंगा, ऐसा करती है तो वाकई मोदी जी तो दिन भर में 7-8 मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, लेकिन ये वाकई मास्टर स्ट्रोक होगा। और धर्मेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं भी बता दूं आपको, क्योंकि सपा का मेन पर्पज है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत जाओ। तो अखिलेश यादव जो लड़ेंगे वो कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी इस बार उनके नाम से जीत गई, क्योंकि सुब्रत पाठक के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। और वहां हो सकता है कि दो चार बड़े दलित भाजपा नेताओं की एंट्री भी हो जाए सपा में, इसमें से एक नाम बड़ा वायरल हुआ था, भी ऑडियो वायरल हुआ था, तो सरप्राइज एलिमेंट है। तो अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे, आजमगढ़ से लड़ेंगे, जो मेरी सूचना है, और धर्मेंद्र यादव चुनाव का संचालन करेंगे। जब दो सीट से जीत जाएंगे तो किसी एक सीट पे धर्मेंद्र को उतार दिया जाएगा, और धर्मेंद्र वहां से चुनाव फिर वो मिल जाए, आजमगढ़ की सीट वो शायद छोड़ दे। तो ये पूरा प्रकरण है घोष। और जहां तक जो चौथी सीट की बात है या जो भी समीकरण, इस वक्त समाजवादी पार्टी का फोकस ये है कि हम उस कैंडिडेट को उतारे जो वहां से चुनाव जीत सके। उनको सिर्फ नंबर पे नहीं, वो सिर्फ इलेक्टेबिलिटी देख रहे हैं, और अभी तक की जो सूची बनाई है उसमें समाजवादी पार्टी ने आधे से अधिक जगहों पे भाजपा को घेर दिया है। अब मैं आपको बताऊं, कल मैं मोहनलालगंज, जहां मैं रह रहा हूं, मोहनलालगंज क्षेत्र आता है लोकसभा, यहां मैं घूमा हूं, यहाँ के दलितों ने जानते क्या कहा कि भैया आर के चौधरी को बहुत दिनों से हम लोगों ने कुछ दिया नहीं, और ये जो भाजपा के मंत्री जी, मैंने कुछ किया नहीं है, तो इस बार हम लोग जो है आंख मूंद के साइकिल पे मोहर लगाएंगे। मैं सिर्फ मोहनलालगंज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ये बताने के लिए कि किस तरह का जमीन पे जो पीडीए की रैली, और कल एक बहुत सक्सेसफुल पीडीए की रैली निकाली है मोहनलालगंज क्षेत्र में, तो पीडीए पर जबरदस्त काम हो रहा है। और इस पीडीए के नजर में ही देखिए, अब जो सपा के मेन जो नेता आ रहे हैं, युवा नेता आ रहे हैं, ओबीसी से और दलित से, ये सब बड़े पढ़े लिखे हैं। रागिनी सोनकर का इम्पैक्ट सिर्फ आप मछली शर मत देखिएगा, रागिनी सोनकर का इम्पैक्ट आपको बनारस में दिखेगा, इलाहाबाद में दिखेगा, लखनऊ लोकसभा में दिखेगा, क्योंकि तो जो सोनकर बिरादरी, खटक बिरादरी है, इनका कई शहरों में काफी अच्छे अच्छे खासे वोट है। और ये सामान्यतः ये जो खटक बिरादरी है, ये सोनकर बिरादरी है, ये भाजपा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह, और मैं आपको बता दूं, भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, भाजपा भी रागिनी सोनकर को अपने खेमे में लाने की बहुत सारी कोशिश कर रही है। रमाकांत यादव का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूं आजमगढ़ में, कि अभी भी तैयारी जारी है, कहने को निरहुआ को टिकट दे दिया गया है। तो पूरा पूरा जो खेल है, एक एक चीज पे बड़ी बारीकी से, और कल मास्टर स्ट्रोक इलाहाबाद खुद में खेल दिया अखिलेश यादव जी ने, वो चले गए, अभी तक हम लोग शिकायत कर रहे थे ना कि नहीं जाते हैं, कल वो चले गए छात्रों से मिलने के लिए, और छात्रों से बात करके उन्होंने बोला कि आपको नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि यहाँ पेपर जानबूझ के, अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर तो लीक कराया जा रहा है ताकि नौकरी नहीं देनी पड़े, आपको नौकरी चाहिए तो एक आदमी को आप नौकरी से बेदखल कर दीजिए। तो छात्रों ने पूछा किसकी नौकरी लेनी, कहे वो जो दिल्ली में जिसको आपने नौकरी दे रखी उनको हटा दीजिए। तो ये जो अब वो उनके पास एक यूनिट है, वो लगातार काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है, एक दिन वो लखनऊ नहीं चलिए, जाती। ये अच्छी बात है कि हमने कल इतना इतनी लानत मलानत की, इतना जो है इतने सवाल कड़े किए, तो अखिलेश यादव को बुरा नहीं लगा बल्कि चले गए प्रयागराज, अच्छी बात है। नहीं, प्रयागराज छात्रों से मिलने गए, प्रयागराज का तो दौरा कल था ही, छात्रों नहीं, से भी मिलने गए। वही मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो मैं जो कल हमने यही तो सवाल किया था कि क्यों नहीं जाते हो भाई, क्यों नहीं सीधे जाकर के मिलते हो, क्यों युवाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में गए, अच्छी बात है। मुझे लगा हो सकता है कई बार नेता बुरा मान जाते हैं कि यार ये छोटे छोटे पत्रकार हम पर खड़े सवाल खड़े करते हैं। हाँ और बोलिए। इस सूची में आपको नाम सुनाई दे सकता है कृष्णा पटेल का, कृष्णा पटेल को या तो फूलपुर से या मिर्जापुर से लड़ाया जा सकता है, जो चौथी सीट, जो चौथी लिस्ट आने वाली है।
हो सकता है गठबंधन हो तब तो अलग बात है, और गठबंधन नहीं होता तो हो सकता है सपा अपने सारे प्रत्याशी उतार दे, लेकिन उतारने के पहले वो भाजपा की लिस्ट का इंतजार कर रही है, भाजपा की लिस्ट का वो इंतजार कर रही है। भाजपा की दूसरी जो लिस्ट है उत्तर प्रदेश में बची हुई जो उनकी 25-25 सीटें हैं, उस पर कैंडिडेट अभी आने बाकी है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। तो एक एक चीज का, कास्ट का, और अब की बार सिंपल सा फंडा है कि हमको नान यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित, देखिए बहुत दिमाग लगाया जा रहा है, गैर जाटव दलित पे ज्यादा फोकस, ये दिखेगा आपको। और जो लोग सोच रहे हैं कि ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिलेगा, नहीं ब्राह्मणों को भी टिकट मिलेगा, बस यही देखेंगे कि कहां, जैसे जौनपुर में 2-3 विधानसभा ऐसी है जहां पर ब्राह्मण अच्छी संख्या में है, तो अगर ब्राह्मण प्रत्याशी उतार देते हैं तो जौनपुर में तो मामला फंस जाएगा। यादव वोटर के साथ आई है, मुस्लिम वोटर के साथ आई है, ठाकुर भी नाराज है, ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया जौनपुर में, मतलब भाजपा को, वैसे भी जौनपुर में ठाकुर ऐसे समझो आप, ठाकुर नाराज है धनंजय के नाते ब्राह्मण प्रत्याशी आ जाएगा, मुस्लिम और यादव साथ है, ये कैलकुलेशन हालांकि ये अर्थमेटिक है, अब नतीजे केमिस्ट्री से आते हैं। जो उनकी विधायक है रागनी सोनकर जौनपुर से ही तो विधायक है, हाँ। तो वो दलित सीट जीत के आई है ना रागनी सोनकर, तो वो तो अच्छा खासा इम्पैक्ट है ना। तो ये वहां पे ये जो पूरी, अच्छा ये चौथी सूची से आगे बढ़ते हैं, चौथी सूची से आगे मायावती के आने की जो चर्चाएं, अब वो चर्चा बड़ी मजबूत हो चली है, और सबसे पहले न्यूज लॉन्चर पर हमने इस खबर को दिखाया था, तब कई लोगों ने सवाल भी किया था कि कहां के सूत्र, कैसे आप लोग खबर चलाते हो, लेकिन हम लोग हवा में खबर कभी नहीं चलाते। मैं कई बार दर्शकों से ये कहूँ कि कभी भी हमारे चैनल पे, मैं हमेशा के लिए कहता हूँ, आगे भविष्य में भी, अतीत आपने देखा है, भविष्य में भी देखेंगे, हम सियासत का नतीजा रुझान बताने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए कभी ज्योतिषी पंडित और वो नहीं बिठाएंगे, कभी नहीं, वो हवा में खबरें नहीं बताएंगे, जो खबरें कहीं से आती हैं उन्हीं की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन इसी से तय होने लगेगा, ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी से तय होने लगेगा, तो इस देश में चुनाव ही नहीं करवाना है, सबकी कुंडली देख लो, किसके में राजयोग है उसको शपथ दिलवा दो, भाई क्लियर बात है। ये ज्योतिष, मैं ज्योतिष की विधा पर नहीं प्रश्न खड़ा कर रहा, मैं भी ज्योतिषी, कुंडली सबके घर में, हमारे बच्चों की भी कुंडलियां हैं, वो ठीक है, जहां पर ज्योतिष हमको अपने भविष्य के बारे में, अपना ग्रह नक्षत्र जानना होगा, हम जाएंगे, लेकिन अगर देश की सियासत ज्योतिष से चलेगी तो ये जो है ठीक नहीं है, फिर तो ये चुनाव का खर्चा बचाओ, चुनाव आयोग की जगह पर ज्योतिष आयोग बनाओ, वहां पे 4 ज्योतिषी रखो, पूरे देश के नेताओं कुंडली इकट्ठा करो, और जिस पे प्रबल राशि होगा उसका शपथ ग्रहण करवाओ, खत्म कहानी। खैर, हम मायावती पर जिस चर्चा को फिर से वो चर्चा बहुत मजबूत हो चली है, सीटें भी कुछ चर्चा में आ रही है, कहीं पर चर्चा है 25 सीट यूपी में मायावती लड़ेंगी, कहीं पर है 30 सीट लड़ेंगी, लेकिन इंडिया अलायंस में आने की चर्चाएं फिर जोर पकड़ चुकी है। तो इस चर्चा में कितना, मतलब अभी ये चर्चा भी फिर हवा में ही है, या इसके पीछे कुछ वर्क हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले हमने उस समय ये खबर दिखाई थी जिसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उस खबर को वो किया था, इंडोर्स किया था, इसलिए क्योंकि सपा के विधायक, और आपने ही ब्रेक किया था, आलोक जी ने ब्रेक किया था, सपा के काफी विधायकों ने एक मीटिंग की थी और बहन जी के साथ अलायंस को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी कि होना चाहिए, कांग्रेस पहले से ही इस प्रयास में लगी हुई थी, अब ये चर्चाएं आई हैं तो ऐसे नहीं आई, क्या बहन जी अब मन बनाने लगी हैं आलोक भाई? देखिए बहन जी को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, सच ये है कि निगोशिएशन की बात पिछले कई महीनों से चल रही है, वो तो बड़ा लंबा है। आप आज की परिस्थिति देखिए ना, आज से 20 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने 34-35 प्रत्याशी घोषित कर दिया, गठबंधन 21 फरवरी को हुआ, गठबंधन हुए 16 दिन हो गए, अभी तक कांग्रेस ने अपनी पहली सूची नहीं जारी की, बस ये जरूर कंफर्म किया लोकल कांग्रेस के लोकल विंग ने कि भाई अमेठी और प्रियंका से राहुल, अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका लड़ेंगे, उसके अलावा कहीं कोई नाम नहीं आया। तो
45 सीटों का भी नाम नहीं आए, और जो पार्टी इतनी अग्रेसिव थी कि 35 नाम अनाउंस कर दी, वो पार्टी जिसने जनवरी से ही नाम घोषित करना शुरू किया था, वो अचानक रुक क्यों गई? क्यों रुक गई भाई? अगर चुनाव लड़ना है समाजवादी पार्टी को 60-62 सीटों पे, तो या तो वो हो सकता है कि वो इंतजार कर रही। और देखिए, अगर कोई आदमी कहता है, देखिए चुनाव में हर दल एक दूसरे दल से गठबंधन की बात कर रहा है, सब आदमी वेट एंड वॉच में है। अभी तक लोग मान रहे थे कि चिराग पासवान भाजपा के साथ जा रहे हैं, अब वो चिराग पासवान तेजस्वी यादव से ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो उनको 10 सीटों तक ऑफर कर रही है, 2 यूपी में ऑफर कर रही है, तो ये बातचीत चलती रहेगी। एन मौके पे कौन किसके साथ जाएगा, किस पार्टी को लेगा, किस गठबंधन के साथ जाने से हमारी ज्यादा सीटें आएंगी, ये उस पर फैसला होगा। और फिलहाल वो स्कोप दिख रहा है, 35 के बाद समाजवादी पार्टी की लिस्ट नहीं आई है, यूपी में 80 सीटें हैं, तो 45 सीटों पर नाम क्यों रोके गए? कांग्रेस ने क्यों नहीं नाम अनाउंस किया? गठबंधन होगा तो अमेठी और रायबरेली में तो बहन जी लड़ेंगे नहीं, तो 37 सीट आप हटा दीजिए, या आजमगढ़ और कन्नौज हटा दीजिए, मैनपुरी हटा दीजिए, तो 40 सीटें तो बची हुई है। इसका मतलब है कि बहन जी अगर आना होगा तो बहन जी उसी रेशियो में आएंगी जो पिछली बार आई थी, मतलब वो जो पिछली बार बात हुई थी कि सपा 35 पे, बसपा 35 पे, और 10 सीटें कांग्रेस और अलाइज को दे दी जाए अगर आती है तो। 25-25 सीटें की जो खबर चला रहे हैं उस पर बहन जी नहीं आने वाली। ये मैं इतना आप न्यूज लॉन्चर को, दर्शकों को कह दूं, 25 सीटों पे बहन जी नहीं आने वाली है, 35 और 10 सीटें जो पिछले उनके एग्जिस्टिंग सांसद है वहां से तो लड़ेंगे लड़ेंगे, उसमें कोई इफन बट इट बट नहीं है, एक बट कुछ नहीं है। तो वो क्या होगा क्या नहीं होगा इसका फैसला देखिए, हर आदमी जानता है कि ये चुनाव गया तो 5 साल तक फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, और हर आदमी की निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पे भी है। उसी के तहत कांग्रेस भी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, एसपी बना रही है और बीएसपी बना रही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि अगर पहले मोदी को हटाओ तब यूपी में कब्जा होगा, तो विपक्ष अगर इस चीज पे चल गया और गठबंधन में बहन जी आ जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप अभी से रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं इतना आपको स्पष्ट कर दूं कि 35 से कम सीटों पे बहन जी चुनाव नहीं लड़ने वाली चलिए, यानी कुल है। मिला जुला के अब ये मतलब आज की तारीख में चौथी सूची और बहन जी का आगमन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ क्लब किया, इन दोनों चौथी सूची और बहन जी का आगमन, क्योंकि चौथी सूची में जो नाम हैं और बहन जी आती हैं तो उनके हिस्से में, मायावती के हिस्से में कितनी सीटें, 35 सीटों की बात हो रही है, आलोक भाई कह रहे हैं 25 सीट की कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये बात है कि 34-35 से नीचे नहीं आएंगे। तो फिर एक बार सीटों को हो सकता है कुछ सीटें रिसफल भी हो सकती हैं, कुछ सीटें जैसे अभी चौथी सूची में जिनका अखिलेश यादव जिन प्रत्याशियों के नाम पर प्रचार कर रहे हैं या ऐलान करना है उनको, उनका ऐलान करेंगे तो 35+ हो जाएगा उनका, फिर वो 35+ से कुछ सीटें रिसफल भी होंगी, ये सारी संभावनाएं बनी हुई हैं। खैर, इन्हीं सारी संभावनाओं से बीजेपी के माथे पर शिकन भी है, और जैसे ही बहन जी के इंडिया अलायंस में जाने की खबरें आती हैं तत्काल ही रणनीतिकार सक्रिय हो जाते हैं, पता चला हम लोग ये चर्चा कर दें और फिर कोई पुराना मामला हो और उस पुराने मामले की फाइल खुल जाए। खैर, जल्द ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, चुनाव का ऐलान जैसे ही चुनाव आयोग करेगा। अब ये चुनाव आयोग कब करेगा ये तो जब मोदी जी का कार्यक्रम सब निपट जाएगा तभी, फिलहाल तो 12 तारीख तक लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि सब प्रोग्राम लग चुका है मोदी जी का। फिलहाल इस चर्चा में हमें इजाजत दीजिए, आप बहन जी के आगमन का भी इंतजार कीजिए। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ मैं बताऊं कि गठबंधन पे बात चल रही है, मैं उसके कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। जौनपुर में प्रत्याशी नहीं घोषित किया समाजवादी पार्टी ने, घोसी में प्रत्याशी नहीं घोषित किया, आप समझिए चीजों को। और इधर भी कई सीटें ऐसी जहां पे बसपा जीती, मात्र प्रत्याशी नहीं घोषित किए गए। अमरोहा में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, सहारनपुर में भी कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है,
तो ये चीजों को आप देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा मामला है। ज्यादातर सपा ने वही सीटें घोषित की है जहां पे उनके सपा के एग्जिस्टिंग एमपी थे या जिन सीटों पे सपा बसपा गठबंधन हारी थी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इससे और लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और बार बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 80 में 80 हराओ, 40 में 40 हराओ, तो वो कहीं ना कहीं एक बातचीत का कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, कि जब पहले भाजपा सरप्राइज देती थी, अब विपक्ष सरप्राइज देना चाहता है। कि जब तुमने सोचा 20 फरवरी को तुमने पार्टी कर ली कि भैया राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, आप बीजेपी में जश्न मन गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं, और 21 फरवरी को धीरे से जाके बरेली एयरपोर्ट पर बोल दिए कि किसने कहा गठबंधन नहीं हो रहा है, गठबंधन हो रहा है, शाम को घोषणा करते हैं। एक्चुअली इस बार जानते हैं, टेक्निकल चीज में और आपको बता दूं, इस बार थोड़ा ये लोग कुछ चीजों से बच रहे हैं। जैसे 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव मायावती ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 2017 में भी जब कांग्रेस और सपा गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इन चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है इस बार कि सार्वजनिक रूप से गठबंधन की घोषणा के समय इन लोग सामने ना आए, किसी और को आगे ला जाए। मतलब एक सोचता आदमी कि भाई कहीं, मतलब हर तरह से सोचा जाता है। तो ये भी एक चीज है कि आपको शायद मीटिंग्स की फोटो नहीं आ रही है और बातचीत के बारे में लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो इन्हीं वजह से मुझे लग रहा है कि ये चीजों को अवॉइड किया जा रहा है। कि लाइमलाइट में मिलना, अचानक से सरप्राइज घोषित कर देना है, आपके पास एक ट्विटर पे ट्वीट आ जाएगा या कहीं चलते फिरते बयान आ जाएगा कि भाई आज हमारे सपा बसपा कांग्रेस के लोग किसी छोटे से होटल में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें ना राहुल बैठेंगे, ना मायावती बैठेंगी, ना अखिलेश जी बैठेंगे। तो इसी तरह की इंतजार करिए, आलोक भाई ने कहा है सरप्राइज, सरप्राइज का इंतजार करिए। अगर सरप्राइज आता है तो समीकरण क्या बनेंगे, और सरप्राइज नहीं आता है तो समीकरण क्या बनेंगे, ये भी हम आप तक लाएंगे, बताएंगे और कोशिश करेंगे बताने की। जहां पर आपको लगे कि और बेहतर कुछ बताना चाहिए, आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिए राय, उसको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।